फाइनली हम आ चुके हैं बंगाल प्रसाद में। तो बहुत दिनों से मन था जब इधर आए एंड बहुत कुछ इधर है देखने के लिए, बहुत टाइप्स के एनिमल्स भी है, तो सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो शुरू करते हैं फिर। सो हम लोग फाइनली अंदर आ चुके हैं और ये रहा रोहित। एंड यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा एक्टिविटीज़ के सा प्राइस है उसका, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑन फुट आप ₹50 में सारा जू को घूम सकते हो एंड कौन सा सफारी का क्या प्राइस है सब कुछ इधर लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा देखने को। एंड इधर हम लोग अभी टिकट काउंटर के उधर जा रहे हैं एंड टिकट काउंटर इस तरफ है और यहाँ पे एक टाइगर का स्टैचू भी है घुसते ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। चलते हैं और आप देख ही सकते हो कितना सुंदर प्लेस है ये, मतलब इधर टाइम स्पेंड करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। सो यहाँ पे भी आपको डिटेल सब कुछ का मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हो। सो आज सैटरडे है और बारिश का मौसम भी है, इसलिए उतना लोग विज़िट करने नहीं आए हैं, इसीलिए टिकट भी जल्दी मिल गया हम लोगों को। मेरे को ग्रैंड सफारी का टिकट काटना था बट उन लोगों ने कहा, उधर जो आर्मी थे उन्होंने बोला कि केज में रहेगा एनिमल सब, आज खुला नहीं रहेगा बिकॉज बारिश तो रुक गया है लेकिन गीला गीला होके रखा है सब कुछ। सो इसीलिए मैंने कॉम्बो लिया क्योंकि आज लेके भी पैसा वेस्ट ही हो जाता। तो जब मैं फिर से यहाँ पे विज़िट करूँगी तो ग्रैंड सफारी में क्या क्या है क्या नहीं है वो सब आपको मैं दिखाऊंगी। सो मुझे इधर ये चीज़ बहुत सुंदर लगा। तो अभी हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, अभी हम लोग का सफ़र शुरू होने वाला है। हम लोग का कॉम्बो सफारी में कुछ कुछ हार्वीवोर्स एनिमल्स हम लोग को देखने को मिलेगा और रॉयल बंगाल टाइगर। अब पता नहीं कौन कौन एनिमल्स देखने को मिलेगा बिकॉज रेनी सीजन्स में हम लोग आए हैं और पता नहीं हम लोग का किस्मत में क्या ही है। तो रॉयल बंगाल टाइगर अब हम लोग देखने वाले हैं लेकिन अफसोस वो केज में ही है। तो ये हम लोग पहुँच ही चुके हैं ऑलमोस्ट। तो ये रहा रॉयल बंगाल टाइगर एंड वो आराम से सो के हम लोग को ऐसे देख रहा था। मैं उतना अच्छे से कैमरा में तो कैप्चर नहीं कर पाई बट जितना मेरे से हो सका मैंने किया क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन का कैमरा से उतना अच्छे से तो होगा नहीं। तो अभी समय आ गया हार्वीवोरस एनिमल्स देखने का, तो अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। मैंने थोड़ा कट करके वीडियो बनाया है नहीं तो बहुत लंबा हो जाता मेरा ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे और अचानक मेरे नज़र में मोर आया जो कि ऐसे चल रहा था और वो चलते चलते पता नहीं हम लोग को देखकर और जल्दी छुप गया क्या। बट देखिए कितना सुंदर है यहाँ पे, कितना सुंदर सुंदर डियर सब है, आप लोग देख ही सकते हैं। और उसके साथ एक बर्ड भी है, ये पता नहीं कौन सा बर्ड था। इधर भी आप देख सकते हो कितना सुंदर, और ये कुछ टाइप का बर्डी है बट पता नहीं है कौन सा बर्ड है, कोई कोई बोला था टर्की है बट पता नहीं। एंड इधर आप देख सकते हो और मोर है। तो इधर रोहित चल दिए जिप लाइन एडवेंचर की तरफ, तो उसने लॉन्ग वाला लिया था जो 150 का पड़ा, आप अगर शॉर्ट वाला करोगे तो उसका 100 आपको पड़ेगा। तो ही वॉज इन्जॉइंग इट बट उतना भी नहीं, उसने बोला उतना ऊंचा नहीं था और ऊंचा होने से ज़्यादा मज़ा आता। तो फिर हम लोग इस तरफ चले, अब रोहित बोल रहा था इधर बर्ड्स देखने को मिलेगा बट पता नहीं इधर बर्ड्स था नहीं, इधर कुछ कुछ बनाया हुआ था, कोई कोई रूम्स था। तो मैंने बोला जो कि अंदर जाके देखते, तो उसने बोला नहीं 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 मत जाओ। और ये जो बड़ा करके इधर आपको दिख रहा है घर जैसा, ये बंद था। तो आई थिंक यहाँ पे अभी इस सब को ठीक किया जा रहा है तो इसीलिए ऐसा होगा, और नहीं तो इधर पहले था बर्ड्स अभी नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आप बटरफ्लाई स्पॉट कर सकते हो बट मुझे कुछ दिखा नहीं, या तो मैं गलत जगह पे आ गई हूँ इधर।
तो यहाँ पे आई लव बंगाल सफारी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। फिर हम लोगों ने घड़ियाल, घड़ियाल कुछ बोला जाता है, वो देखने आ चुके हैं। टॉर्टोइस भी है यहाँ पे और क्रोकोडाइल्स भी है। अब मुझे उतना मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा घड़ियाल के घड़ियाल है और कौन सा क्रोकोडाइल है। और पानी में देख सकते आप कितना सारा मछली है। फिर यहाँ टॉर्टोइस स्विम कर रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग यहाँ एक कैफ़े में पहुँच चुके हैं। रोहित तो कुछ खाएगा नहीं बोल रहा था, तो मैंने एक मैंगो आइसक्रीम लिया। इसका प्राइस 70 पड़ा मेरे को, बट टेस्ट वॉज अमेजिंग। चंक्स भी था मैंगो का, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। आई होप आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पता है मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से यहाँ पे विजिट करूँगी और फिर से और एक ब्लॉग अच्छा सा आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय बाय।